2-3 seconds के लिए आप हाँ नाइस पोस्टर बोथ ऑफ यू ऑल या थैंक यू और थोड़ा क्या यार गुड इवनिंग फ्रेंड्स अच्छा 1-1 तीन साल पहले हमने फॉर्म की थी हम लोग के अराउंड 35 सॉन्ग्स आ चुके हैं और बहुत सारे पाइपलाइन में हैं हमारे साथ और भी जो फ्यूचर में सॉन्ग आने वाले हैं हम मिक्का पाजी के साथ भी कर रहे हैं कुमार पाजी ऐसे बहुत नाम सुनने मिलेंगे और बहुत अच्छे गाने कोशिश कर रहे हैं हम सब तक पहुंचा पाए एंड ये गाना कैसा लगा आप लोग बेटर जज कर सकते हैं कैसा लगा आप लोग बताएंगे निवेदिता आप बता रही है आपके ये सॉन्ग के बारे में ना आपका अलग अलग लोग कितने मिला है हमें कहाँ शूट किया गया है कैसे लोग ये सॉन्ग जो है वो हम लोगों ने चंडीगढ़ में शूट किया था और ये 3-4 months ऑलरेडी हो गए और हम लोग का मतलब था कि 1-2 महीने पहले मतलब रिलीज़ करना था लेकिन सर के ऑलरेडी बैक टू बैक कुछ शूट वगैरह चल रहे थे जिसकी वजह से ये टाइम पे ऑलरेडी उन्होंने रिलीज़ किया और अच्छा है मेरे लिए भी अच्छा है और क्योंकि अभी तक जो भी मैंने सॉन्ग किए वो इमोशनल सैड सॉन्ग रोमांटिक ऐसे किए हैं बट ये थोड़ा सा मेरे लिए हटके है तो मेरे लिए और मुझे भी एक्चुअली अपना थोड़ा लुक भी थोड़ा चेंज देखने को मिला तो मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि काफ़ी समय पहले ये सॉन्ग शूट कर दिया क्योंकि आपने क्योंकि सर जैसे मैंने बताया सर के 3-4 सॉन्ग ऑलरेडी लाइनअप थे एक्चुअली हम लोग जो सॉन्ग बनाते हैं हाँ जी स्टेटेड रिलीज होता है उसका हम लोग प्लान करके रिलीज करते हैं हर महीने गाना तो दिस सॉन्ग वॉज प्लान फॉर रिलीज ऑन फेब्रुअरी क्योंकि बैक टू बैक सॉन्ग जब आप इतने सारे शूट करते हो तो हर एक का एक ये रहता है कि अगर पहले हमने रोमांटिक सॉन्ग शूट किया है या रिलीज़ किया है तो थोड़ा सा ब्रेक दे के फिर ऐसा कोई चेंज मतलब हर बार वो चेंज कर कर के शूट रिलीज़ करने का इनका प्लान था इस वजह से मेरा जो नंबर था वो अभी आया फिल्म म्यूजिक वीडियो में तो हमने आपको देखा ही है अभी और भी क्या कुछ आपने सुना वेब सीरीज मूवीज मेरी ऑलरेडी मैंने डिज्नी हॉट स्टार के लिए भी किया हुआ है शॉर्ट फिल्म जो कि अभी थोड़े टाइम के बाद आप लोग को देखने को मिलेगी वो भी मेरा जो शूट था वो 4-5 months हो गया बट रिलीजिंग का जो भी टाइम है वो शायद इस मंथ के एंड में या मे बी नेक्स्ट मंथ रिलीज है कुछ एल्बम के से रिलेटेड जानना चाहेंगे सबसे पहले तो टाइटल व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर टाइटल सिंगर और प्रोबेबल लोकेशन ये में क्या थीम है करे दस्ते का मतलब होता है करे दस्ते से पंजाबी वर्ड बेसिकली उसका हिंदी में घर पे बता दे कि कुछ ना कुछ करेगा ये बंदा आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा इट इज़ अ मोटिवेशनल डांस इट कैन बी प्लेड इन क्लब्स आई एम श्योर अगर जैसे आप लोग सुनेंगे गाना आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा इट बेसिकली मोटिवेशनल भी है और ये डांस नंबर भी है आप बोल सकते हैं इसको एंड सिंगर ये सिंगर नया है इन्होंने हमारे साथ और 3-4 गाने भी किए हुए हैं और जो उसके डायरेक्टर है हनी राव है जिन्होंने हमारे लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए एंड तनु जी का ये थर्ड प्रोजेक्ट है हमारे साथ में मतलब हर साल जब 3 साल इनका हुआ है तो हर साल मेरा एक सॉन्ग सर की कॉन्ट्रैक्ट है तनु जी के साथ मतलब आप जब भी पर्टिकुलर ऐसा कोई रोल आता है तो आप उनके पास अप्रोच करते हो और तनु व्हाई डिड यू आल्सो यू नो मतलब नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट हाँ जब सर ने कंपनी स्टार्ट की थी तो मेरे ख्याल से 3 या 4 जो भी सॉन्ग थे उसमें से एक मेरा था है ना हाँ जी उसका भी हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तनु जी के साथ एसोसिएशन हैज बीन लॉन्ग एंड शी इज अ गुड फ्रेंड और हम लोगों ने फर्स्ट सॉन्ग शायद कोविड के टाइम पे किया कोविड के टाइम पे किया था पागल ना कर दे पागल ना कर दे साथ ही ननु हाल ही में सोशल मीडिया पे सभी जगह तनु के बारे में जाना जा रहा है कुछ कहना चाहोगे क्या इस बारे में क्योंकि हमेशा से हर कोई अपनी लाइक इमेज को किस तरीके से पोर्ट्रे करता है आप क्या कहना चाहोगे क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफरेंसेस अभी लगने लगी है लोगों को नाम सुनने के बाद आपका बोलने के तो है कोई सही भी है गलत भी है लेकिन सामने वाले क्या सोचता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और दूसरा कि हर चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए अगर कि नहीं मैं ऐसी नहीं ऐसी हूँ तो मुझे मैं क्या हूँ मुझे पता है तो मुझे नहीं लगता अभी कि मुझे कोई भी चीज़ आप लोग के सामने आके रखनी चाहिए हाँ अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई भी टॉपिक पे ऐसे बात करना चाहिए तो मैं 100% आप लोग के सामने आऊँगी
और अपनी जो भी बातें मैं रखूंगी। तो तनु वो टाइम कब आएगा जब आप सामने आकर अपनी बातें रखोगे? अभी जो टाइम, बहुत सारे लोग जानते हैं कि आप सब लोग को जो बुलाया हुआ है वो अच्छा है, बट गाने के साथ अगर आप जो चीज हम जानना चाहते हैं वो भी बताओगे आप तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात बताइए, आप हमारा हमारा जो गाना है उसको प्रमोट करना चाहते हैं या जो भी चीजें चल रही है उसको प्रमोट करना चाहते हैं? खुशी से प्रमोट करना चाहते हैं। नहीं तो पहले आप करिए, उसके बाद को लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए वो आपको इतना प्यार दे रहे हैं, लोग आपको इतना प्यार देते हैं इसलिए जानना चाहते हैं तनु का असली रूप क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको अगर गलत पोर्ट्रेट करा जा रहा है तो आप बताइए आपके ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस आपको प्यार दे रही है इसलिए आपके गाने को पसंद कर रही है। मुझे फिलहाल नहीं लगता कि मुझे इस टॉपिक पे कोई भी बात करना चाहिए, मुझे अगर लगेगा तो मैं 100% आप लोग को कॉल करके सर को बताऊंगी, सर प्लीज़ आप सब लोग को बुलाओ, मुझे आप लोग के सामने कोई भी चीज़ें जो भी बातें हैं वो रखना है। तो मैं 100% कहना ये है कि जो भी आपके बारे में चीज़ें कही जा रही है वो सच है। तनु जी वो आप बोल रहे हो ना, वही बोल रहे, अगर उन्होंने तो अपनी तरफ से सभी बातें कही है लेकिन तो वो गाइस कैन वी कीप दिस टू द सॉन्ग गाइस, मोदी जी के लिए हम लोग अभी विल अप्रिशिएट अगर इस सॉन्ग के बारे में बोला जाए तो ये तनु जी आपको सब आप लोग को सबसे पहले खुद आके बताएगी इन चीजों के बारे में। वो तो मोदी जी को भी बहुत सारी चीजें बोलती है, तो क्या सही हो गया क्या? उन्होंने स्पेशली आपसे ये क्वेश्चन करने के लिए बोला है हमें, यहाँ तक कि जनता आपकी रिकॉर्डिंग भी सुन रही है, जो भी आप बातें राखी से कर रही है वो सभी लोग सभी ये बातें सुन रहे हैं। तो आपको फिर पता होगा कि हम, क्योंकि मेरी राखी से आज तक के उसमें 2-3 बार जो भी बातें हुई मैंने बहुत प्यार से उनसे बात की है, कभी बदतमीजी नहीं, कभी कुछ भी नहीं, जो भी थी, लेकिन जो भी है अब मैं वही बोल रही हूँ, वो है जो भी मैटर है उनका मैटर है वो जाने, मुझे ये सब में नहीं आना और मुझे अपनी कोई भी बातें ये सब टॉपिक पे नहीं लाना। आप क्या करो, ये बात सच है कि आदिल के अरेस्ट होने से 3 दिन तक पहले आप उनसे बात कर रही थी? पता नहीं मुझे गाना, अभी आप गाने के बारे में कुछ भी पूछ रहे हैं आप? ये मैं कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करती, सिर्फ ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा गाना आज रिलीज हुआ है। फ्रेंड्स आज हम लोग ये गाना सक्सेस मान आए हैं, तो आप लोग का सपोर्ट, जल्दी तनु जी जब भी मीडिया से मिलना चाहेगी हम लोग फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।